उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यूपी के सहारनपुर से जैश का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस ने आतंकी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया। नूपुर शर्मा की हत्या की प्लानिंग कर रहा था नदीम। आतंकी नदीम के मोबाइल फोन से नूपुर शर्मा की फोटो भी मिली है। नदीम के मोबाइल में 30 से ज्यादा वर्चुअल नंबर मिले हैं। तो यूपी एटीएस ने इस आतंकी को कल गिरफ्तार किया है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिदायन हमले की ट्रेनिंग दी गई थी इस आतंकी को। बेहद हाईटेक आतंकी है जिसने खुद एक ऐप बनाया था जिसके जरिए वो पाकिस्तान और देश से बाहर दूसरे लोगों से संपर्क में था। नूपुर शर्मा की फोटो मिली है इस आतंकी के मोबाइल फोन से और जानकारी यह है कि यह जैश का आतंकी तहरीके तालिबान के संपर्क में भी था और नूपुर शर्मा को मारने के लिए आया था। तो क्या है जैश का फिदायन अटैक वाला प्लान, आइए अब आपको यह बताते हैं। महज 10वीं पास मोहम्मद नदीम बेहद हाईटेक है। पाकिस्तान में बैठे आकाओं से खास एप्लीकेशन से यह बात करता था। जैश और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने फिदायन हमले का इसको टास्क दिया था। टीटीपी कमांडर सैफुल्ला से सीधे संपर्क में था मोहम्मद नदीम। नदीम को फिदायन हमले के लिए 100 लोगों को ट्रेंड करना था। नदीम अभी 30 लोगों को फिदायन हमले की ट्रेनिंग दे रहा था। नदीम ने फिदायन हमले की ट्रेनिंग का नाम फिदाय रखा था। टीटीपी के आतंकी से सोशल मीडिया के जरिए नदीम ने फिदायन हमले की ट्रेनिंग ली थी और नदीम के मोबाइल से फिदायन हमले की पीडीएफ फाइल भी बरामद हुई है। और भी बहुत कुछ मिला है नदीम के पास से। उसके मोबाइल फोन से जैश और टीटीपी के आतंकियों से चैट और वॉइस मैसेजेस मिले हैं। वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आईमो, फेसबुक, क्लब हाउस के जरिए आतंकियों से जुड़ा हुआ था और यूपी और उत्तराखंड में विशेष तौर पर यह रिक्रूटमेंट का जिम्मा इसके पास था और वो वहां पर आतंकियों को फिदायन की हमले की ट्रेनिंग दे रहा था। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सुरभि के पास चलते हैं उसके लिए जानने के लिए। तो लगातार आ रहे इनपुट के आधार पर आपको बता रहे हैं किस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं और आतंकी नदीम पर अब बेहद सनसनीखेज खुलासा। भारत में 100 फिदायन तैयार करने का इसे टास्क मिला था। आतंकी नदीम 30 लोगों की टीम भी अपनी तैयार कर चुका था और इन्हीं तक पहुंचने की अब ये कोशिश है क्योंकि 30 लोगों को फिदायन हमले की ट्रेनिंग को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है और नदीम के जरिए अब आगे ये जानने की भी कोशिश की जाएगी कि ये पूरा नेक्सस कहां कहां तक फैला हुआ था। इस बीच छोटे छोटे वीडियोज बनाकर कैसे फिदायन हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी इसको लेकर भी जानकारी मिल रही है। फिदायन हमले के कोर्स का नाम फिदाय था और फिदाय के तहत किन किन लोगों तक ये पहुंचने की कोशिश रही है इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से क्या कहा गया पूरे मामले पर सुनिए। ये व्यक्ति जैश ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन के नेटवर्क का एक सदस्य है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर आतंकवादी घटना करने की थी। मोहम्मद नदीम पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलरों के साथ विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ा था। सर्वप्रथम 2018 में नदीम का संपर्क पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हकीमुल्ला, जो कि एक जैश ए मोहम्मद का सदस्य है, से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ और इसने कालांतर में नदीम को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न गुटों के साथ ऑनलाइन जोड़ा। हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक बड़ी कामयाबी इसे जरूर कहेंगे क्योंकि अब आतंकी नदीम के जरिए जो खुलासे हो रहे हैं, आप क्योंकि सहारनपुर के गांव में ही मौजूद हैं, किस तरह की इसकी गतिविधियां रहती थी और क्या इस पूरे ग्रुप के बारे में पता लग पा रहा है जिनके जरिए ये ऐप के जरिए कनेक्टेड रहता था और एक टीम बाकायदा तैयार कर चुका था? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती तफ्तीश में जो एटीएस को पता चला उसमें ये निकल कर सामने है कि जो मोहम्मद नदीम है वो भले ही 10वीं पास हो लेकिन बेहद हाईटेक आतंकी था। एक आतंक का बड़ा नेटवर्क तहरीके तालिबान और जैश ए मोहम्मद के लिए उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में तैयार करना चाह रहा था।
हालांकि कितना शातिर था और कितना पढ़ाई में अव्वल था ये जानने के लिए हम उसके मदरसे भी पहुंचे, जहां पर उसने तकरीबन 11 साल की उम्र तक कुरान शरीफ की पूरी तालीम ली। तो यहां पर उसके शिक्षक से हमारी बात हुई, जिनका कहना था कि पढ़ाई में बेहद शार्प था, काफ़ी तेज़ था और किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था, अकेला ही वो मस्त रहता था। तो यही बात उसके गाँव वालों ने भी बताई कि जो नदीम है वो अकेला अपने मोबाइल में ही लगा रहता था, और तफ्तीश के दौरान ATS ने भी इस बात का खुलासा किया। साथ ही ATS ने यह भी बताया कि जो उसका हैंडलर है उसका नाम है सैफुल्ला, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और बाकायदा तहरीके तालिबान का कमांडर भी है। इसकी मुलाकात सैफुल्ला से हकीमुल्ला ने कराई थी, हकीमुल्ला जैश ए मोहम्मद का कमांडर है। तो ये बात एक तरीके से तफ्तीश के दौरान साबित हो चुकी है कि जैश ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान ये दोनों ISI के इशारे पर हिंदुस्तान में खास तौर पर। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक तरफ आतंकियों पर कड़ा प्रहार हो रहा है, तो आतंकियों के जो मददगार हैं, हमदर्द हैं, उन पर भी सख्ती बरती जा रही है। जितेंद्र शर्मा की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं सहारनपुर के गांव से, और उसके बाद हम आपको कश्मीर से आ रही एक बड़ी खबर बताएंगे। इस वक्त हम मोहम्मद नदीम के गांव के अंदर मौजूद हैं, ठीक उनके घर के अंदर। ये देखिए, ये नदीम का घर है, ये काफ़ी पुराना बना हुआ घर है, और ठीक सामने आप चारपाई पर नदीम के पिता को देख सकते हैं, जो कि पिछले 3 महीने से बीमार बताए जा रहे हैं, और इसी अवस्था में घर के अंदर ये चारपाई पर लेटे रहते हैं। ठीक है, परिवार आप सामने कमरों के अंदर बैठे हुए देख सकते हैं, कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार नदीम का गाँव के अंदर व्यवहार किस तरीके का था। नाम क्या सर आपका? मसरूर राणा है सर। राणा साहब, ये बताइए नदीम को आप कैसे जानते हैं? नदीम नफीस का लड़का है जी। आपके पड़ोस में रहते हैं? जी हाँ, हमारे गांव के हैं। अच्छा, जिस तरीके के आरोप ATS की तरफ से लगाए गए हैं उन पर आपका क्या कहना है? बस जी, नहीं कहता, मैं ये कहना कि यहाँ वो खेती है, इनके यहाँ खेती कर रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं। क्या आप आस पड़ोस के लोग हैं, कभी आपको लगता है ऐसा था? ऐसा तो हमें लगा नहीं जी कभी भी। क्या मोबाइल वगैरह में लगा रहता था कुछ ऐसा बोल रहे? जी हाँ, मोबाइल तो सभी बच्चे रखे हैं, ये क्या पता फ़ोन कर रहे या क्या देख रहे। पुलिस यहाँ कब पहुँची थी? पुलिस यहाँ 4-5 दिन पहले आई थी। अच्छा जी, ATS के अधिकारी आए थे वोटर लिस्ट लेकर। अच्छा। इस सारे ही वार्ड की। हाँ। और ये कहा था कि उसकी वो अपने ऑनलाइन करा ले। अच्छा। इस तरह लिंक करा ले अपने वोट। अच्छा। आधार कार्ड से, तो उसमें ये नाम पते सारे लिख के ले गए थे, और फिर रात को आए थे उसी दिन वो। अच्छा। उसे दोनों भाइयों को ले गए थे। अच्छा जी। दूसरा भाई कहाँ पर है? वो आ गया जी, छोड़ दिया उन्हें। अच्छा जी। तो आप ये देख सकते हैं गांव के लोग हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नदीम अपने परिवार के साथ इसी जगह यानी कि कुंडा कलान के इसी गांव के अंदर इसी घर के अंदर रह रहा था पिछले कई सालों से। और इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि नदीम किस तरीके एक्टिविटीज़ में शामिल था या नहीं था, इस बारे में इन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। हालांकि वो फ़ोन के अंदर अपने ज़रूर लगा रहता था, लेकिन कुछ विशेष इन लोगों को उसके बारे में नहीं जानकारी मिली। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इरशाद है जी। इरशाद जी, कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहे हैं जी। कैसे जानते हैं नदीम को, कब से नदीम यहाँ रह रहे हैं? बस मैं तो पड़ा रहूँ जी दूर। अच्छा, नदीम कब से रह रहे हैं लोग यहाँ? ये तो काफ़ी दिनों से यहीं रहे हैं। अच्छा, तो क्या कभी इस तरीके की कोई एक्टिविटी आप लोगों ने सुनी? कोई नहीं सुनी जी हमें तो। अच्छा, हमें कुछ भी सुना। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? इकबाल है। इकबाल जी, ये बताइए कभी इस तरीके की एक्टिविटीज, जिस तरीके का आरोप है, कभी आपने सुनी? ना जी, ऐसा कभी लगाई नहीं है। 4-5 भाई हैं। अच्छा। प्यार मोहब्बत से लोगों के साथ भी रहना। अच्छा। कभी आते हैं कि इनकी पार्टी बाजी नहीं बनी कई साल से। इनका गांव ढिक्का कला है सरसावे में। अच्छा। वहां से आकर रहने लग गए थे, अपनी नाना की डेरी पे हैं वे। अच्छा, माँ बाप इसके बीमार चले गए साल से, यहीं रोटी रट्टी बनाओ जाते अपने माँ बापों की बेचारे की सेवा कर रहे थे इनकी। दोनों और बैठे पड़े सामने बीमार हैं कई साल से। आपका क्या नाम है सर? इरफान है जी। इरफान जी, कब से आप जानते हैं इस परिवार को? गांव में है जी, गांव में तो करीब करीब सभी को जानते हैं, जब से यहाँ आए हैं, जब से हॉस्टल वाली जानी है जी। अपने नाना का घर है यहाँ आए हैं जी। अपने नाना के घर है यहाँ आए हैं। अच्छा, अपने नाना की डेयरी पर आए हैं। अच्छा, जिस तरीके से पुलिस के आरोप हैं उस पर आप लोगों को क्या कहना है? आप लोग गांव के लोग हैं, आप जानते होंगे। हमने साहब कभी नहीं सुना। अच्छा ना जी, ऐसा कोई मामला कभी सामने नहीं आया, कभी कोई ऐसा मामला सामने तो आया नहीं जी। तो बिल्कुल, मैं चाहूँगा कैमरामैन कपिल आपको दिखाएं। ये देखिए, ये घर है नदीम का, मोहम्मद नदीम का, जिस पर आरोप है कि वो फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा था। इसी गांव का वो रहने वाला है और पिछले कई सालों से एनआरओ पुलिस का ये भी कहना है, जो ATS ने अपनी तफ्तीश में पाया, कि उसके मोबाइल से कुछ ऐसे सुराग मिले हैं कि उसने तकरीबन 30 से ज़्यादा ऐसे वर्चुअल नंबर बनाए हुए थे, और उन्हीं वर्चुअल नंबर्स के जरिए वो तहरीक तालिबान, जो कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन है, और उसके अलावा जैश ए मोहम्मद के कई कमांडर के संपर्क में था, और उन्हीं के निर्देश पर फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा था। और साथ ही आरोप इस तरीके के भी लगाए जा रहे हैं कि बाकायदा उसके मोबाइल से एक PDF फाइल बरामद हुई है, और उस PDF फाइल में साफ़ तौर पर इस बात की ट्रेनिंग दी जाती थी कि आखिरकार किस तरीके से फिदाइन हमले को अंजाम देना है।